सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फूडीज लाइफ को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और देखिए मेरे सभी न्यू वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी का हलवा बनाने की रेसिपी। इस हलवे को घर पर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लौकी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो लौकी, जिसे हम छील कर कद्दूकस कर लेंगे। मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। इस मावे को मैंने घर पर ही बनाया है और इसे बनाते टाइम मैंने इसमें 50 ग्राम शुगर भी यूज़ की है। तो अगर आप मार्केट से लाए हुए मावा यूज़ करें तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। एंड मैंने ली है 150 ग्राम शुगर। अगर कप से मेज़र करेंगे तो ये 1 कप शुगर है। 1/2 कप घी, 4 से 5 बारीक पिसी हुई इलायची, 8 से 10 बारीक कटे हुए बादाम, आप चाहे तो काजू और भी ज्यादा मेवा यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम लौकियों को छील लेंगे। मैंने ली है 1 लौकी और इसे हम इस तरीके से अच्छे से छील लेंगे। इस पे से हमें हल्के से जो छुक्कल है ऊपर से वो हटा देने हैं। और लौकियों को हम साइड से कट कर देंगे। और अब मैं इन लौकियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी, जिससे कि इन्हें कद्दूकस करने में आसानी रहे। और इन लौकियों को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ही आराम से कद्दूकस करना है ताकि हमारा हाथ ना कटे। तो आप इन्हें इस तरीके से सभी साइडों से कद्दूकस कर लें अच्छे से। हमें लौकी को पूरा कद्दूकस नहीं करना है, इसमें जो बीच में सॉफ्ट सा पार्ट होता है जिसमें बीजेस होते हैं उन्हें हमें नहीं कद्दूकस करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो बीच वाला पार्ट है इसे बचा लिया है और इसे हम साइड से हटा देंगे और इसी तरीके से बाकी लौकियों को भी कद्दूकस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी लौकियों को कद्दूकस करके रख लिया है और ये जो बीज वाले पार्ट थे इन्हें मैंने कद्दूकस नहीं किया है। और अब मैंने लिया है 1 बाउल। ये जो हमारी लौकी होती है इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हम इसे इस तरीके से हल्का सा पानी निकाल देंगे। इस तरीके से आप इन्हें प्रेस करें और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरीके से निकाल दें। मैंने सभी लौकियों में से जो पानी है उसे निकाल दिया है। और ये जो लौकियों में से पानी निकला है ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इसे फेंकें ना, आप इसे छान कर पी सकते हैं। अभी हम इसे साइड से हटा देंगे। और ये जो हमने लौकी ली है इन्हें हम पका लेंगे अच्छे से। लौकियों को पकाने के लिए मैंने लिया है 1 पैन, जिसे मैंने कुछ टाइम पहले गर्म होने के लिए रखा था। और इस पैन में हम डालेंगे लौकियों को। और इस लौकी को कुछ टाइम के लिए इस तरीके से अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें जो मॉइस्चर बचा है वो ना रहे। और हमें इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है। लौकी को छीलकर कद्दूकस करने के बाद इसका जो वेट है वो कम हो जाता है, तो अब इसमें समथिंग 700 ग्राम वेट होगा। तो अगर आपको हलवा ज्यादा बनाना है तो लौकी की क्वांटिटी आप ज्यादा लें। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो भी मॉइस्चर है वो अब नहीं रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और इस शुगर को इस लौकी में अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस लौकी को शुगर के साथ कुछ टाइम के लिए अच्छे से गलने देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी चीनी है वो लौकी में अच्छे से मिल चुकी है। अब हमने जो मावा तैयार किया था उसे इस लौकी में मिला देंगे। मैंने मावा को मिलाने से पहले कुछ टाइम पहले गर्म कर लिया था, तो आप जब लौकी में मावा को ऐड करें तो उसे कुछ टाइम पहले अच्छे से गर्म कर लें। और अगर आप मार्केट से लाया हुआ मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसे एक बार भून लें अच्छे से। हम इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, इलायची, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हलवा है खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो आप इसे अपने लिए व्रत में भी बना सकते हैं। तो आपका जब भी फास्ट हो तो आप इस हलवे को बनाकर जरूर खाएं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारा हलवा है वो बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हलवे को एक प्लेट में निकाल लिया है और हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। मैंने इस पर डाले हैं थोड़े से बादाम एंड थोड़े से पिस्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनके तैयार है। तो आई होप आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करेंगे और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।